बेचारे हैं वो जो विनरबल सिहवाग है ना, अभी जो है वो लोगों का शत्रु नहीं, अभी है हमारे साथ पिछड़ी में बाघ पकड़ा चुका है। अभी हमारे साथ हैं श्री बलवंत सिंह जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है पहाड़ इन हसीनवादियों से। दोस्तों कल रात को हमने वहाँ दो पिंजरे लगा रखे थे जंगला तोलो निशनी गांव में, और मेरे गांव का नाम बुंडी है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। ऐसे सुनने वाला कि बाघ वहाँ पकड़ा गया और उसको लेके गए, चले भी गए ऐसा सुनने वाला भी हमें, और वहाँ दो पिंजरे लगा रखे थे, तो वहीं चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं। और हमारे गाँव में इतनी खतरनाक वाला सीन हो गया कि कोई अपने घरों से बाहर नहीं जा रहा है, बच्चे भी अपने यहाँ गाँव में खेलने, बीच में पहले तो खेलने के लिए जाते थे वो गाँव के अंदर, यहाँ घर ही पे हैं, कोई नहीं जा रहा तो चलते हैं निशनी गाँव। सो गाइस, हमारे गांव में इतना खतरनाक डर हो गया बाघ का, जो स्कूल के बच्चे थे वो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। और पहले हम इस वाले सहार पे गाय हकाते थे, अभी यहाँ भी नहीं हका रहे बाघ के डर से, और हमें जाना है निशनी वाले गांव में इस वाली साइड। सो दोस्तों ये वाली जगह है वो जहाँ यहाँ पे पिंजरा लगा रखा था इस वाली जगह पे, और सुबह 5 बजे बाघ यहाँ फंसा, और उसके बाद जंगलात वाले इस बाघ को लेके चले गए, तो ये वाली जगह थी वो, और ये है निशनी गाँव, और उस वाले घर पे भी गया था वो। और जब वो उसके बाद जब वो फंसा था, उससे पहले भी वहाँ पे उसने कुत्ते पे अटैक किया था, उसके बाद वो पिंजरे में आया, और जंगलात वालों ने पता नहीं कब लेके गए उसको, कुछ पता नहीं चला, गांव वाले कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। तो ये वाली जगह है वो कुछ पे है हमारे साथ निशनी गाँव के चाचा जी, तो बताए चाचा जी क्या हुआ वहाँ घटना। ऐसा है कि मैं निशनी गांव वन पंचायत समिति का सरपंच हूँ, मेरा नाम शिव सिंह रावत है। हमारे यहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी, जो ये बच्चे के साथ में गुलदार ने आतंक किया था, बिल्कुल खुली जगह पे गांव के बीचों बीच, तो वन विभाग की पूरी टीम यहाँ आई हुई थी। उसके बाद यहाँ पिंजरे विंजरे लगाए गए, शासन प्रशासन भी आया मौके पर, नायब तहसीलदार वगैरह तमाम पटवारी वगैरह, तो जो भी लिखा पड़ी हुई हुई, लेकिन जो भी घटना हुई बहुत ही दुखद हुई है, मतलब एक उभरते हुए उसके अंत हो गया, क्या करें, बहुत वैसी बात। लेकिन फिर भी इतना संतोष हमें है कि इस ये वन विभाग की टीम ने जो है कि एक आदम को उसको उसी स्पॉट से पिंजड़े में कैद किया है, और उसको वो टीम ले जा चुकी है। अभी जो है मैं लोग सतर्क रहे, और अभी भी ऐसे लापरवाही नहीं करी कि मैंने बाघ पकड़ा गया। हाँ। कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी मतलब अपने घरों के अंदर रात को जल्दी अपने घर में आ जाए, ठीक है, धन्यवाद। तो कल यहाँ था बाघ, और उसके बाद बाघ इस वाली जगह पे भागा, वहाँ भागा, वहाँ भागा, पूरे गांव के चक्कर मारे बाघ ने। तो अभी हम यहाँ पे निशनी ग्राम साहब में, और जंगलात द्वारा फॉरेस्ट गार्ड द्वारा बाघ को पकड़ा गया है, और वो 5 बजे सुबह उस बाघ को लेके चले गए हैं, और गांव वालों को सूचना फिर बाद में पता चली कि बाघ को ले जा चुके हैं। तो ये है निशनी गांव की जगह जहाँ पे पिंजरा लगा रखा था, अभी एक पिंजरा और लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है वो पिंजरा, और एक पिंजरा वहाँ ऊपर लगा रखा है, क्योंकि यहाँ दो बाघ थे ऐसी सूचना गाँव वालों द्वारा बताई जा रही है। हमारा यही विचार है कि वो जो विनरबल सिहवाग है ना, उसको मार दिया जाए। हाँ, अरे वो हमारा बच्चा है, स्कूल का केंद्र का बच्चा है हमारा, हमको उसको बहुत दुख हुआ उनका। हाँ जी, क्योंकि तो वो हमारे केंद्र का बच्चा है, मैडम की स्कूल में पढ़ता था वो बच्चा। हाँ। इस वाले स्कूल में, तो मैम भी इतनी दूर से आती, मतलब वहाँ है मैम का गाँव भी, और इसी खतरनाक रास्ते से आते हो, तो क्या कह रहे चाहते हो आप? हम यही कहना चाहते हैं कि उसको मार दिया जाए। हाँ जी, सही बात है, हमको बहुत बड़ा जब तक तीन और भी नहीं पकड़े जाते, जब तक भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी, अब आप बोलिए, जब तक पुलिस कर्मचारियों को और पहले हमारे कर्मचारी को यहाँ उपलब्ध हाँ जी, तो वो भी पूल में गया, और हमारी बहू ने देखा। हाँ जी, तो वो पता नहीं हमला कर के लिए बैठ गए थे। हाँ। वहाँ पर बैठ गया था। हाँ जी, और तब वो लोगों ने ऐसे टॉर्च की। हाँ। हम भी थे उस वाली जगह, यहाँ पे थे हम, और यहाँ पे वो आंटी जी बता रहे हैं कि उस वाली जगह पे बाघ आया था, उनके घर पे आया था बाघ, तो उस टाइम हमको भी पता है ये चीज, हमें भी मालूम है, क्योंकि जब आप बाहर आए थे तो उस टाइम हम यहाँ पे खड़े थे हुए थे इस वाली जगह पे, तो उस टाइम आपने देखा बाघ, और उससे भी पहले बच्चे को मारने के बाद भाई के घर में आया, इनके मतलब आपके घर पे आया, ऐसे फेड़ी में ऐसे पैर टेका, सीढ़ी में तो पैर टेका। हाँ जी, और उसने हमारी जिठानी थे ना। हाँ, उसने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, तब लोग आ गए, तब तक लोग आ गए मौके पे, मतलब लोग आ गए, और भाई भी मतलब कहाँ से आ रहे थे भाई आप? मैं दुकान से आ रहा था, बिडोली में मेरी दुकान है। हाँ जी, तो जब तक मैं यहाँ पे आ रहा था, तो यहाँ पे भीड़ भीड़ लगी हुई थी, मेरे को पता चला। हाँ जी, तो मैं टाइम से पहले ऊपर निकलने की कोशिश की, मैंने ऊपर गया तो मेरे को दो बाघ मिले ऊपर रास्ते। तो अभी भी कहना ये है कि खतरा भी टला नहीं है, एक बाघ पकड़ा आपने, एक उससे खतरा नहीं टला हुआ। सही बात है, और मेरी सरकार से गुजारिश है कि पुलिस कर्मचारियों को और वन विभाग कर्मचारियों को जब तक यहाँ उपलब्ध रहना पड़ेगा, जब तक वो तीन और तीन बाघ न पकड़े जाए, क्योंकि इससे खतरा, अभी आपको ये नहीं पता कि किस
किस तेंदुए ने अटैक किया है? आप एक को लेके गए लेकिन उन तीनों में से, वो तीनों में से कोई एक हो सकता है। वो आप पे भी अटैक कर सकता है, तो वहाँ पे बाइक पे सकता है। मेरे पे भी दो दिन मेरे पे भी भागा है, यहाँ ऊपर रोड पे पीछे भी भागा है। तो खतरा है, इसलिए कहना यह है कि जब तक ये तीन तेंदुए पकड़े नहीं जाते, जब तक वन विभाग कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पे तैनात रहना चाहिए। सही बात है, धन्यवाद जी, आपसे भी कहे। तो इस वाली जगह पे लगाया गया है पिंजरा, यानी कि इस स्कूल के ऊपर, और स्कूल में अभी भी टीचर लोग हैं और डर काफी है स्कूल में, तो कुछ ऐसे लगा रखे पिंजरा। इस वाले रास्ते से अगर बाघ आएगा तो सीधे इधर आएगा, तो ये है पिंजरा बना रखा है। और इस भाई ने देखा बल बाघ, कहाँ देखा भाई तुमने बाघ? घर के ऊपर। कहाँ पे? कहाँ पे? मतलब यहाँ देखा, वो कह रहा बाघ मैंने अपने सामने देखा, अपने सामने देखा। 4 बजे टाइम, तो 4 बजे का टाइम था और ये भाई स्कूल से आ रहा था, उसने बाघ देखा वहाँ पे। तो ये देखो यार, स्कूल वालों के लिए भी काफी खतरा हो गया है। और इस वाले स्कूल में तो कल छुट्टी थी, मतलब मैडम लोगों ने छुट्टी कर रखी थी। छुट्टी देनी चाहिए थी भाई, अभी तो खतरा है, अभी भी खतरा है, छुट्टी देनी चाहिए थी, क्योंकि तीन तेंदुए तो यहीं घूम रहे हैं। हाँ यार, अभी खतरा टाला नहीं है, स्कूल कॉलेज वगैरह अभी फिलहाल बंद रखने चाहिए। और यहीं पे है स्कूल भी, यहीं पे है स्कूल, और अटैक इस वाली जगह पे किया। और कल यहाँ पे था वो बाघ, यहाँ पे परसों यहाँ पे था, सॉरी, और उसके आगे भागा वो इस वाली जगह पे ना, यहाँ पे भी था एक बार जब हम थे यहाँ रात को, इस वाली जगह पे, और पिंजरा लगा रखा है यहाँ पे। तो मतलब तीन बाघ हैं, क्या एक पकड़ा गया, एक को लेके गए, और एक पिंजरा यहाँ पे है। और अभी वो चीज कंफर्म नहीं होगी हुई है, अभी आप लोग चले गए हो, लेकिन हमें इस चीज का कंफर्म करा के आप यहाँ से, आपको इस चीज जब जाना चाहिए था कि कंफर्म करके जाओगे, आपने उसी को तेंदुए को पकड़ा जिसने बच्चे पे अटैक किया। चलते हैं अभी नीचे। और अभी हमारे साथ हैं श्री बलवंत सिंह जी, जो कि रतकोड़ी गांव के हैं, ये हमें कुछ बातें बताएंगी बाघ के, क्या क्या बाघ ने हमला कैसे किया, कुछ बातें बताई हमें। यहाँ पे हमारे ग्राम सभा निचली में बाघ का बहुत आतंक था, एक बच्चे को उठा ले गया था, और कल सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से बाघ पकड़ा गया। क्षेत्रवासियों ने बहुत सहयोग किया, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वह आगे भी इसी प्रकार लोग सहयोग करते रहेंगे, और सभी लोग सावधानी से, सावधानी पूर्वक जंगलों में भी झुंड बना के जाएं, ताकि ये अप्रिय घटना किसी और के साथ ना हो। निचली में बाघ पकड़ा चुका है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे जो जितने भी सहयोगी हैं, ग्राम सभा निचली, ग्राम बुनी निचली रतकोटी के द्वारा, जितना भी सहयोग के द्वारा, आज वन विभाग की टीम के द्वारा, हमारे थाना पावो के द्वारा, तथा ये प्रधान जी रतकोटी द्वारा, और ये ब्लॉक प्रमुख, जितने भी हमारे अधिकारी गण थे, सब यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत सहयोग किया। यहाँ पर पिंजरे लगाए गए, पिंजरे के द्वारा बाघ को आज सुबह करीबन 5-6 बजे के लगभग, 4-5 बजे के लगभग सुबह के टाइम बाघ पकड़ा गया, और हमें बड़ी खुशी है, हमारे क्षेत्रवासियों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। और हम अनुरोध करना चाहते हैं जन वन विभाग टीम से, कृपया एक दो दिन पिंजरा हो लगाएं, क्या पता कोई और बाघ हो इस क्षेत्र में। और हम चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे ये इधर बिडोलसों के जितने भी निवासी हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया शांति बना रखें, और अपने घरों से शाम के टाइम जल्दी से जल्दी रोटी राटी खा करके घर के अंदर रहें। और जंगल जाते समय महिलाओं को मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जंगल में जाकर ग्रुप बना के जाएं, लकड़ी घास के लिए जिसने भी जाना हो। तो दोस्तों यहां पे हमने निचली गांव और बुढ़नी गांव के बहुत लोगों से बात की, जो यहां निचली गांव में हमें मिले थे, अंकल जी, दादाजी, सबसे बात की, आंटी जी, तो उन्होंने हमें शुभ विचार दिए कि हाँ भाई ये हो गया, बाघ पकड़ा गया तो अच्छी बात है, सब खुश हैं इस चीज़ से कि बाघ पकड़ा गया, लेकिन उस बच्चे की हत्या करके उस बाघ को पकड़ा गया। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों के अंदर रहें और बाहर ना निकलें, और रात के समय पे सही से जाएं, अपना ख्याल रखें, और गाड़ी बाइक मोटरसाइकिल से ना चलें, ये मेरी गुजारिश है। तो चलते आज के वीडियो कुछ यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।